आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को अमरनाथ में बादल फटने की सूचना मिलने पर यात्रा में गए परिजनों की सुविधा के लिए जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण अधिकारी ने कहा, यदि किसी के घर कोई व्यक्ति गया है अमरनाथ यात्रा के लिए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके डिटेल करवाए नोट, की जाएगी पूरी सहायता। थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के चार फाटक रोड स्थित एक झोपड़ी में रहने वाली महिला का मिला शव। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी सीओ कैंट ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई। कोतवाली थाने पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एसएसपी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर भेजा गया है, मौके पर रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शासन के निर्देश पर शनिवार को पूरे प्रदेश में राजकीय शोक हुआ घोषित। जिलाधिकारी कार्यालय पर आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम के लंबित 228 प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश। कहा, नगर निगम में प्राप्त जनसूचना के आवेदनों के 30 दिनों के अंदर निस्तारण कर राज्य सूचना आयोग में नगर निगम प्रस्तुत कर सकता है अपनी अच्छी छवि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दृष्टिगत हड़हवा फाटक स्थित एक निजी लॉन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ थाने पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों का किया गया निस्तारण, बाकी बचे मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। मातृभूमि योजना के संबंध में प्रधानों के साथ डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने की बैठक। कहा, ग्राम प्रधान गांव के सम्मानित नागरिकों से मिलकर गांव के विकास के लिए 60% राशि करवाएं उपलब्ध, 40% राशि प्रदेश सरकार करवाएगी उपलब्ध, गांव में ओपन जिम, पंचायत भवन, लाइब्रेरी का होगा निर्माण। बकरीद त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने महानगर के कई सड़कों पर आवागमन किया प्रतिबंधित तथा रूट डायवर्जन 6 बजे से 12 बजे तक रहेगा लागू। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। सीओ कैंट श्याम देवबिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, समाधान दिवस पर आए मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के दिए गए हैं निर्देश। और फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर भाजपा के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फिल्म डायरेक्टर लीना मड़ी मेकलाई और उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। कहा, दर्ज हो गंभीर धाराओं में मुकदमा, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देवी देवताओं के ऊपर विवादित डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर रिलीज करने वाले लोगों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई।